हाय फ्रेंड, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे चिकन सूखा और बन पराठा। फ्रेंड, बनाने से पहले मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, चिकन सूखा विथ बन पराठा बनाने के लिए चाहिए हमें आधा किलो चिकन ले लेंगे, और हम ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, खाने का सोडा ले लेंगे 1 चुटकी, काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चीनी ले लेंगे, और हम ले लेंगे प्याज 2 प्याज ले लेंगे, 1 टमाटर ले लेंगे, लहसुन कली ले लेंगे 5-6, हरी मिर्च ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक को कूट के ले लेंगे, इमली का पेस्ट ले लेंगे, धनिया के पत्ते ले लेंगे और ये करी लीव्स ले लेंगे, और 2 कटोरी मैदा ले लेंगे, तेल ले लेंगे और दूध ले लेंगे। फ्रेंड, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, उसके लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चुटकी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, हम डो को लगा लेंगे, मतलब ये मैदे के आटे को लगा लेंगे परोठे के लिए। सबसे पहले मैदा डाल देंगे, इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक ना हो, थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच मोयन के लिए, तो थोड़ा सा मिक्स दे देंगे बढ़िया से। फ्रेंड, थोड़ा सा तेल और शामिल करेंगे मोयन के लिए बढ़िया से। फ्रेंड, थोड़ा सा दूध डाल के इसको गूंधेंगे, एकदम पतला नहीं करिएगा, थोड़ा सा जैसे हम दो लगाते हैं आटे का उसी तरह से। फ्रेंड, थोड़ा सा दूध और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ग्रेजुअली नहीं तो एकदम से डाल देंगे तो पतला हो जाएगा, फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे आटे को। फ्रेंड, थोड़ा दूध और ऐड करेंगे, इसको दूध से ही गूंधेंगे, पानी यूज ना करें आप, इससे सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा डो। फ्रेंड्स, हमारा आटा लग गया है, थोड़ा सा इसमें तेल लगा के इसको अब हम रख देंगे, इसके ऊपर फ्रेंड अच्छी तरह से तेल लगाएंगे ताकि ये आटा सूखे ना, और एक तरफ हम रख देंगे आधा घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए अगर आप जल्दी हैं तो। फ्रेंड, एक बेसन ले लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ऑल हो गया हमारा गरम, अब हम प्याज डाल देते हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्रेंड्स, हमारी प्याज देखिए फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा जब गए इसको अच्छी तरह तेल निखार के निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, उसी तेल में हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और फ्रेंड अदरक भी डाल देंगे क्रश करा हुआ, तो थोड़ा सा मिला देंगे। फ्रेंड, चिकन शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, फिर मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, इमली का पल्प डाल दें, सूखी इमली भी आप डाल सकते हैं खट्टा मीठा स्वाद के लिए, एंड टमाटर भी शामिल कर देंगे, थोड़ी सी करी लीव्स, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, अच्छी तरह से भूनेंगे 5-6 मिनट के लिए। फ्रेंड, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे 1 गिलास के करीब, पकाएंगे।
फ्रेंड तो प्याज भी शामिल कर दीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसी में अच्छी तरह से मिक्स होने दीजिए। फ्रेंड तो हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसकी लिड बंद कर देंगे, धीमी आंच कर देंगे, 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड पर तेल डाल देंगे, अच्छा सफिशिएंट तेल तलने के लिए पराठों को। फ्रेंड्स के पेड़े बना लेंगे हम, पेड़े बना बना के रखते जाएंगे यहाँ पे, अलग अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स को बेलते जाएंगे हम तेल लगा लगा के। एकदम पतला बेलेंगे एकदम। फ्रेंड्स को फोल्ड करेंगे इस तरह से ताकि इसके लच्छे बन जाए, गोल गोल घुमा के इसे करके इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे रोलिंग पिन की तरह। आप इसे बेल भी सकते हैं इस तरह से और इसके अंदर हम डालते जाएंगे। फ्रेंड्स धीमी धीमी आंच पकाएंगे तो ये हमारे पक जाए, तो धीमी धीमी आंच पे इसको पलटते जाएंगे इसे करके। फ्रेंड्स हमारा एक परोठा तो डन है, इसको अब हम निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लीजिए, छोटे छोटे नन्हे ऐसे ही बनेंगे। फ्रेंड देख लेते हैं हमारा बना है कि नहीं बना। आइए देखिए फ्रेंड बहुत बढ़िया से कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा से करी लीव्स और धनिया के पत्ते और इसको बंद कर देंगे फ्लेम पे और सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स ये किसी भी ओकेशन में बनाई खाई बहुत ही बेहतरीन लगता है, ये स्टार्टर के रूप में आप खाइए, इसका मज़ा बहुत टेस्टी रहता है और साथ में हमारे पराठे फ्रेंड ये बहुत ही लजीज लगते हैं। हाँ इसे बढ़िया से आप बनाएं खाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।